नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल रजनीश पाटिल में। दोस्तों एग्जाम्स आपकी नजदीक आ रही है, उसी प्रकार से स्टडीज भी आप लोग ज्यादा कर रहे हो। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग ज्यादा स्टडीज कर रहे हो और मुझसे ज्यादा आपके माता पिता लोग खुश है। दोस्तों अभी हम चौथी बार पढ़ने जा रहे हैं इसी साल में एडमिशन ऑफ पार्टनर, जिसके वीडियोस बनाने बाकी थे तो इसके वीडियोस भी अभी बना लेंगे अपन और चौथी बार पढ़ेंगे उसको। तो आपका चैप्टर थर्ड है ये आपका बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का, क्लास 12th HSC महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का, पेज नंबर 125 के ऊपर आपको दिया है। इसका नाम है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो अपन चालू करते हैं दोस्तों, आज मैं आपके लिए स्लाइड्स बना के रखा हूँ, चलो अपन पढ़ते हैं उसी स्लाइड्स के थ्रू रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। दोस्तों आप लोग समझ लेंगे क्या है। तो रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का पहले मतलब समझो, इट इन्वॉल्व्स चेंज इन द फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप, देयर इज चेंज इन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स, एज रिजल्ट देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दोस्तों दो या दो से ज्यादा लोग जब बिजनेस करते हैं तो उन्हें पार्टनर्स कहते हैं और वो जो बिजनेस करते हैं उसे पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। तो कुछ पार्टनर बोलेंगे कि यार मैं ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, मुझे ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, तो पहले वो दोनों 1/2 1/2 यानी इक्वल प्रॉफिट शेयर कर रहे थे, बाद में बोलेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा प्रॉफिट ले, 60% तू ले, 40% मैं लूंगा। यानी दोनों के बीच में एग्रीमेंट चेंज हो रही, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा। या फिर किसी नए पार्टनर्स का एडमिट करेंगे, ए और बी पहले पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे, बहुत ज्यादा बिजनेस उनका चल रहा, बहुत नाम हो रहा, शोहरत हो गई उनकी मार्केट में, बहुत तेजी से उनका बिजनेस ने विस्तार किया, तो वो बोलेंगे अभी हमको पैसों की भी जरूरत है और कामकाज हम लोगों से संभल नहीं जा रहा, हम लोग मैनेज नहीं कर पा रहे, तो सी को एडमिट कर देंगे। दोस्तों तो एडमिशन ऑफ पार्टनर हो जाएगा, तो दोनों पार्टनर्स पहले प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे थे आधा आधा, अभी उसमें तीसरा पार्टनर आ जाएगा प्रॉफिट को शेयर करने के लिए, यानी उस प्रॉफिट में वो हिस्सा मांगेगा तीसरा पार्टनर, तब भी आपकी पार्टनरशिप फर्म रिकंस्टिट्यूट करनी पड़ेगी। अगर तीन पार्टनर है उसमें से एक पार्टनर बोलता है कि अभी मैं थक गया, मेरे से कामकाज नहीं होता, आई वांट टू टेक रिटायरमेंट फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म, तो भी दोस्तों हमें पार्टनरशिप फर्म को रिकंस्टिट्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि एक पार्टनर जाएगा तो अपना रेशियो सेक्रीफाई करेगा और जो दो पार्टनर है उनको फायदा हो जाएगा, वो गेनिंग पार्टनर्स रहेंगे। और दोस्तों अगर कुछ कारण से, बीमारी के कारण से या कुछ आकस्मिक घटना घटती है उसके कारण अगर कोई पार्टनर की मृत्यु होती है तो भी हमें पार्टनरशिप को रिकंस्टिट्यूट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म यानी चेंज इन पार्टनरशिप कौन कौन से केस में होगा, फर्स्ट चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट शेयरिंग अगर चेंज करेंगे पार्टनर्स लोग आपस में तो पार्टनरशिप फर्म को रिकंस्टिट्यूट करना पड़ेगा, असेट्स लायबिलिटीज जो है उसको रिवैल्यू करना पड़ेगा। एडमिशन ऑफ पार्टनर के केस में हमें रिकंस्टिट्यूट करना पड़ेगा, एडमिशन ऑफ पार्टनर्स यानी नए पार्टनर्स को अपन एंट्री देंगे, एडमिट करेंगे हमारे पार्टनरशिप फर्म में। थर्ड है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, कोई एक पार्टनर अगर रिटायर हो रहा है तो भी हमें रिकंस्टिट्यूट करना पड़ेगा, रीफ्रेम करना पड़ेगा, एग्रीमेंट चेंज हो जाएंगे आपकी पार्टनरशिप की और पार्टनरशिप भी चेंज हो जाएंगी। और फोर्थ केस है डेथ ऑफ पार्टनर, यानी कोई एक पार्टनर्स की मृत्यु अगर होती है तो भी हमें पार्टनरशिप को चेंज करना पड़ेगा और रिकंस्ट्रक्ट करने पड़ेंगे पार्टनरशिप। दोस्तों चलो देखते हैं अपन विस्तार से एडमिशन ऑफ पार्टनर, डेफिनेशन देखेंगे सबसे पहले, बहुत ही इजी है और सादगी से आपको सीखना है और आपके दोस्तों को भी वीडियो शेयर करके देने का है। हमारे बच्चे तो, मेरे क्लास के बच्चे चौथी पांचवी बार पढ़ रही है एडमिशन ऑफ पार्टनर। अ फर्म, अ पर्सन, एडमिशन ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म, a person can be admitted as new partner in a firm with the consent of all old partners, jab jitne old partners hai wo sab ki sammati ho jayengi, sabka ek mat ho jayega ki ha hum a aur b do partners hai, hame c ko admit karna hai, humko c mein, c ko humko business mein entry deni hai, to hi wo sarv sammati se kisi aur partner ko, naye bande ko business mein admit kar sakte hai। क्या जरूरत पड़ती है जी, आप पूछोगे पाटिल सर क्या जरूरत पड़ती है, दो बंदे तो बिजनेस चला रहे हैं। लेकिन नहीं, जरूरत किस लिए पड़ती है, टू एक्सपांड कैपिटल बेस, उनको पैसों की कमी महसूस हो रही है इसलिए वो नया पार्टनर्स कैपिटल लेके आएगा।
इसलिए उसको एडमिट कर रहे। सेकंड, टू यूज स्किल ऑफ न्यू पार्टनर, उसमें अच्छी स्किल है तो अपने बिजनेस को और ग्रो करेगा, पार्टनरशिप फर्म का और ग्रोथ हो जाएगा, सेल्स बढ़ेगा, नाम बढ़ेगा, रेपुटेशन बढ़ेगा, रेपुटेशन है ऑलरेडी, रेपुटेशन है और रेपुटेशन बढ़ेगा, यानी गुडविल क्रिएट होगी। और थर्ड, टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे जी, तो आप लोग समझेंगे। फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस क्या है आपका, फर्स्ट न्यू पार्टनर ब्रिंग कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल। जब भी नए पार्टनर को हम लोग एंट्री देते हैं पार्टनरशिप फर्म में, तो हम लोग बोलेंगे भाई साहब आप पहले इतना इतना अमाउंट एडमिशन के तौर पे लेके आओ, तभी आपको एडमिशन मिलेगा। हम लोगों ने तो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है, आपको पता है धंधा धंधे का मालिक दोनों अलग अलग रहते हैं, धंधे का मालिक धंधे में पैसा लगाता है। वॉट एवर अमाउंट दैट हैज बीन इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन टू हिज बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। तो हम लोगों ने कैपिटल इन्वेस्ट करके बिजनेस में, कैपिटल इन्वेस्ट करके बिजनेस में हम लोग पार्टनर बने हैं, उसी प्रकार से आपको अगर पार्टनर बनना है तो आपको भी कैपिटल लाना पड़ेगा। दूसरी चीज, ऑलरेडी हम लोगों ने दिन रात मेहनत करके हमारे पार्टनरशिप फर्म का एक नाम बनाया है, एक रेपुटेशन क्रिएट किया है, यानी हमारे पार्टनरशिप फर्म की समाज में वैल्यू है, गुडविल है, तो आपको गुडविल के लिए भी शेयर लाना पड़ेगा। यानी एक चीज तो आप दिमाग में डाल दो कि जब भी नया पार्टनर आएगा तो सबसे पहले कैश लेके आएगा या फिर असेट लेके आएगा कैपिटल के तौर पे, यानी वो कुछ ना कुछ लाएंगा कैपिटल के तौर पे, और दूसरी चीज गुडविल के तौर पे वो कुछ ना कुछ लाएंगा ही लाएंगा, यानी गुडविल की ट्रीटमेंट आपको करनी पड़ेगी एडमिशन के केस में। सेकंड पॉइंट दिया आपको, न्यू पार्टनर विल एंजॉय द राइट टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट। जब न्यू पार्टनर को हम एडमिट करेंगे, उसको परमिट करेंगे हमारे पार्टनरशिप का हिस्सा बनने के लिए, तो उससे हम पार्टनरशिप के हिस्सा बनने के लिए कैपिटल लेंगे और उसके पास से हम लोग गुडविल का शेयर भी लेंगे। जब वो कैपिटल लेके आएगा और गुडविल का शेयर लेके आएगा, उस दिन के बाद में जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में उसको शेयर मिलेगा, फ्यूचर प्रॉफिट में शेयर मिलेगा। उस दिन तक जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट में हक किसका है, ओल्ड पार्टनर्स का है दोस्तों। एंड थर्ड, ओल्ड पार्टनर्स हैव टू सैक्रिफाइस देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर न्यू पार्टनर्स। मान के चलो कि एक केक है, अभी दो पार्टनर्स है तो आधा आधा शेयर करेंगे, और दो पार्टनर्स अगर आएंगे तो ये आधे में से भी आधा करना पड़ेगा। यानी पहले ए का शेयर था आधा, बी का शेयर था आधा, अभी ये चार शेयर हो गए तो ए का एक शेयर, बी का एक, सी का एक और डी का रहेगा एक शेयर। इसका मतलब है हाफ हाफ शेयर था पहले ए और बी का, अभी टोटल टुकड़े कितने हो गए, फोर, तो बेस में आएगा आपका फोर, वन बाय फोर, वन बाय फोर, वन बाय फोर, वन बाय फोर, तो ए को मिलेगा वन बाय फोर, बी को वन बाय फोर, सी को वन बाय फोर और डी को वन बाय फोर। क्लियर? तो ओल्ड पार्टनर्स ने सैक्रिफाई किया तभी तो न्यू पार्टनर्स को एंजॉय करने को मिला ना शेयर। आपने आधे केक में से आधा एक को दिया और दूसरे बंदे ने आधे केक में से आधा एक को दिया, तो ये जो आधा में से आधा आप दे रहे हो इसी को बोलेंगे सैक्रिफाइस रेशियो। दोस्तों अभी इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट अपन देखेंगे, कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर्स। तो व्हेन न्यू पार्टनर्स ब्रिंग कैश टुवर्ड्स हिज कैपिटल, तो यहाँ पे ये जर्नल एंट्री को आप अच्छे से प्यार से समझ लो, ये एंट्री हर क्वेश्चन में होने वाली है। तो इसकी जर्नल एंट्री हो जाएंगी आपकी, इसकी एंट्री हो जाएंगी आपकी कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिटेड। डेबिट व्हाट कम्स इन, व्हाट इज कमिंग इनटू आवर बिजनेस, कैश और बैंक, एक तो बैंक के थ्रू पैसा आएगा, कैश के थ्रू आएगा। एंड हु इज द गिवर ऑफ दिस अमाउंट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो दो इफेक्ट देने पड़ेंगे, कैश के डेबिट में टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड न्यू पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में आपको लिखना पड़ेगा बाय कैश अकाउंट, ये एंट्री होगी ही होगी। सेकंड, व्हेन न्यू पार्टनर्स ब्रिंग्स सर्टेन असेट टुवर्ड्स हिज कैपिटल, कुछ असेट अगर लेके आएगा तो यहां पे एंट्री हो जाएंगे डेबिट व्हाट कम्स इन, सो असेट इज कमिंग इन टू द बिजनेस, सो असेट्स अकाउंट डेबिटेड। असेट्स अकाउंट क्या हो जाएगा आपका, डेबिट हो जाएगा टू, हु इज द गिवर ऑफ दिस असेट,
टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपने कैप नहीं लिखना है, आपने पूरा फुल फॉर्म में कैपिटल लिखना है दोस्तों। हम लोग टीचर है, हम लोग पढ़ाने पढ़ाते समय ये लिख लेते हैं कैपिटल। असेट के डेबिट में मशीन लाएंगा समझो, या फर्नीचर लाएंगा, तो मशीन अकाउंट क्रिएट करेंगे अपन, उसके डेबिट में लिख देंगे न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और क्रेडिट का इफेक्ट देंगे न्यू पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में लिख देंगे बाय असेट्स अकाउंट। अभी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, फार्मूला बताऊंगा मैं आपको न्यू रेशियो कैसे निकालने का। दो ही कंडीशन अपने को सीखना है, और अमूमन सभी क्वेश्चन में आपके दो ही फार्मूले यूज में आते हैं, उसके ऊपर भी मैं वीडियोस बना के दूंगा आपको, और चौथी पांचवी बार अपने पढ़ने वाले हैं। ये ऑनलाइन में बच्चों की डिमांड है, पाटिल सर आपने एडमिशन ऑफ पार्टनर्स की वीडियोस नहीं अपलोड किए, तो उनके बेनिफिट के लिए कम्युनिटी एजुकेशन के तौर पे मैं ये वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ दोस्तों। तो आपका फर्ज बनता है कि आपने वीडियोस को देखना है, और खुद की भी सेल्फ स्टडी आप स्ट्रांग करोगे, प्रैक्टिस भी करोगे, और आपके दोस्तों को भी आप जिताओगे, क्योंकि जीत आपकी पक्की है दोस्तों। सो फर्स्ट केस है आपकी न्यू रेशियो निकालने की। इफ शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन, अगर क्वेश्चन में न्यू पार्टनर का शेयर दिया रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको क्वेश्चन में फॉर एग्जाम्पल अगर आपको क्वेश्चन में न्यू पार्टनर का शेयर दे के रखा है, समझो न्यू पार्टनर शेयर 1/4 दे के रखा है, तो क्या करेंगे हम, टोटल प्रॉफिट को 1 पकड़ेंगे अपन। टोटल प्रॉफिट कितना है आपका, तो 1 है जी। टोटल प्रॉफिट कितना है हमारे पार्टनरशिप फर्म का, हमारे पार्टनरशिप फर्म का टोटल प्रॉफिट है 1। सो बैलेंस ऑफ 1 कैसे निकालेंगे, 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, तो बैलेंस ऑफ 1 भी निकाल के दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पे। तो बैलेंस ऑफ 1 कैसे निकालेंगे, 1 माइनस 1/4, तो आपको पता है 4 1 4 -1, तो बचा हुआ कितना आएगा आपका 3/4। तो ये 1 में से न्यू पार्टनर का शेयर माइनस करने के बाद में जो बचेगा, इसको बोलते 3/4 को बोलेंगे बैलेंस ऑफ 1। अगर आपको न्यू पार्टनर का रेशियो 2/5 दिया रहेगा, तो बैलेंस ऑफ 1 कैसे आएगा, 1 -2/5। तो क्या करने का, 5 -2/5, भाई सिंपल लॉजिक है ना, 5 में से 2 हिस्सा तो न्यू पार्टनर का है, तो बचा कितना, 3 हिस्सा, 3/5, यानी 1/4, तो 4 में से 1 हिस्सा तो न्यू पार्टनर का है, तो 3 हिस्सा ओल्ड वालों के लिए बचेगा। बैलेंस ऑफ 1 कितना आएगा, 3/4। सो बैलेंस ऑफ 1 इक्वल्स टू 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर्स, और न्यू रेशियो निकालेंगे दोस्तों हम बैलेंस ऑफ 1 × ओल्ड रेशियो। ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका है दोस्तों, इफ सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर इज गिवन अलॉन्ग विथ ओल्ड रेशियो, यानी अगर आपको सेक्रीफाइस रेशियो दिया है ओल्ड पार्टनर्स का अलॉन्ग विथ ओल्ड रेशियो, सेक्रीफाइस रेशियो भी दिया है ओल्ड पार्टनर्स का अलॉन्ग विथ ओल्ड रेशियो, तो न्यू रेशियो निकलेगा आपका ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। और सेक्रीफाइस रेशियो कैसे निकलेगा, ये अगर आपका इधर साइड में चला जाएगा और ये आपका इधर साइड में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सेक्रीफाइस लेफ्ट में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, न्यू रेशियो राइट में आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो आएगा। सेक्रीफाइस रेशियो का मतलब क्या है, व्हेन न्यू पार्टनर इज एडमिटेड ओल्ड पार्टनर्स हैव टू सेक्रीफाइस देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट टू गिव द शेयर ऑफ प्रॉफिट टू न्यू पार्टनर्स। पहले मैंने बताया एक केक है, आप दो लोग खा रहे तो आधा आधा खाएंगे, अगर दो लोग और आ गए तो आपको आधे में से आधा एक को देना पड़ेगा, और दूसरे बंदे को उसके पास जो आधा है उसमें से आधा देना पड़ेगा उसको, तो इसी को बोलते हैं सेक्रीफाइस रेशियो। द रेशियो इन विच द ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट इज कॉल्ड एज सेक्रीफाइस रेशियो। नोट, इफ न्यू रेशियो इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, देन ओल्ड रेशियो बिकम सेक्रीफाइस रेशियो माय डियर फ्रेंड्स। ये आपका बेसिक वीडियो मैंने बनाया है, ये एंड तक के जरूर देखना है आपको, सादगी से देखना है, 4 से 5 बार देखना है आपको, तो इसके बाद वाले वीडियोज आपको श्रृंखला से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। जीत आपकी पक्की है हमारे पाटिल क्लासेस में, जहां पे सक्सेस मिलता है, पिछले 18 सालों से मिल रहा है और अभी भी आगे मिलता रहेगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाओगे आप लोग, सिर्फ वीडियो देख के जाना नहीं आपको। थैंक यू वेरी मच।